गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के बीच देश भर में दुकानें खुलने के आदेश पर सफाई जारी की है। गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि आदेश के तहत दी गई छूट शराब की दुकानों पर लागू नहीं होगी और साथ ही यह भी साफ कर दिया है कि ई कॉमर्स कंपनियों को भी फिलहाल गैर जरूरी सामान बेचने की छूट नहीं दी गई है। यानी पहले की ही तरह ई कॉमर्स कंपनियां फिलहाल सिर्फ जरूरी सामान ही बेच सकेंगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान अत्यावश्यक चीजों से जुड़ी दुकानों के अलावा कुछ और दुकानों को भी खुली रखने की हरी झंडी दी थी, लेकिन एक क्लॉज उसमें यह था कि आखिरी फैसला जो है वो लोकल अथॉरिटी लेगी। और इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने एक फैसला लिया है कि जो एमएचए की गाइडलाइंस थी कि अत्यावश्यक चीजों के अलावा अन्य दुकानों की वो रेड जोन और जो हॉटस्पॉट के इलाके हैं वहां पर लागू नहीं होगा, यानी वहां पर वो दुकानें नहीं खुलेंगी, सिर्फ अत्यावश्यक चीजों से जुड़े ही दुकानें खुली रहेंगी। मैं इस वक्त अंधेरी ईस्ट के इलाके में मौजूद हूं। क्लॉज में ये कहा गया था जो एमएचए की गाइडलाइंस थी उसमें कि इलेक्ट्रॉनिक्स की खासतौर पर और हार्डवेयर की दुकानें जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना आसान है वहां पर वो दुकानें खुलेंगी, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने साफ कर दिया है कि जो रेड जोन है, क्योंकि मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पालघर यही जो इलाके हैं रेड जोन में हैं और इस इलाकों में तमाम जो हॉटस्पॉट के इलाके हैं उसको देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया है। लेकिन एक और फैसला लिया गया है कि जो ग्रीन जोन के इलाके हैं, जो ऑरेंज जोन के इलाके हैं, उसे जो है खोलने पर, वहां पर दुकानें खोलने पर विचार किया जाएगा। हर बात में होगा हिंदू मुसलमान तो कैसे बनेगा मेरा भारत महान। आतंक के कानून में हिंदू मुसलमान के साथ जवाब दीजिए। इमरान खान काहे की धमकी दे रहे जब उनको अपनी औकात हैसियत सब पता है। कोरोना को हराने के लिए भारतीय वायुसेना ने पूरे दमखम से मोर्चा संभाल लिया है। भारतीय वायुसेना के IL-76, C-17 ग्लोब मास्टर, AN-32, C-130 डॉर्नियर और MI-17 हेलीकॉप्टर इस वक्त कोरोना की महामारी से लड़ने के लिए तैनात किए जा चुके हैं। भारतीय वायुसेना के विमान अभी तक 500 टन से भी ज्यादा मेडिकल सामग्री देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचा चुके हैं। भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े मालवाहक विमानों में से एक IL-76 देश के पूर्वोत्तर के राज्यों में मेडिकल सामग्री पहुंचाने की तैयारी कर रहा है। इस विमान की क्षमता 43 टन तक सामान ढोने की है और इस वक्त विमान से 20 टन से ज्यादा सैनिटाइजर, मास्क, पीपी किट और दूसरे जरूरी सामान भेजे जा रहे हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद है दिल्ली के कार्गो टर्मिनल पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जितने भी ट्रॉलीज हैं इनमें सैनिटाइजर्स हैं, मास्क है और बाकी अलग अलग ऐसे जो मेडिकल इक्विपमेंट है जो कि देश के अलग अलग हिस्सों में भेजे जाने हैं। और इसके पीछे आप देख सकते हैं कि क्योंकि लॉकडाउन के चलते एयर ऑपरेशंस बिल्कुल बंद है, कोई एयरक्राफ्ट यहाँ नहीं उड़ रहा है, सिर्फ कार्गो फ्लाइट्स उड़ती हैं वो भी सरकार की तरफ से, जिन कार्गो फ्लाइट्स को उड़ने की इजाज़त दी जाती है। और अब फिलहाल जो है इस एयरपोर्ट पे जो कार्गो सेक्शन है यहाँ पे एयरफोर्स के IL-76 में लोड किया जा रहा है सामान। ये सारा का सारा सामान जो है फिलहाल नॉर्थ ईस्ट जाना है और नॉर्थ ईस्ट में जाकर गुवाहाटी तक जाएगा, गुवाहाटी के बाद जो है बाकी हिस्सों में जो है इसको पहुँचाया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ मिजोरम यानी कि ये जो पैकेट्स है यहाँ से पहले गुवाहाटी जाएंगे, उसके बाद भी अलग अलग जगह, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ मिजोरम लिखा हुआ है यानी कि मिजोरम के लिए ये सारे पैकेट्स हैं, तो यहाँ से गुवाहाटी जाएंगे, गुवाहाटी जाने के बाद जो है अलग अलग जो जगह पर जो इनको पहुँचाया जाएगा। इनमें मास्क है, सैनिटाइज़र है और आप देख सकते हैं कि ये IL-76 है, ये लगभग लगभग जो है आधा भर चुका है और इतना सामान जो है फिलहाल बताया जा रहा है कि 20 टन से ज़्यादा सामान जो है यहाँ से नॉर्थ ईस्ट में भेजा जा रहा है। हालांकि इस एयरक्राफ्ट की जो कैपेसिटी है वो 43 टन के आसपास है। कह सकते हैं कि भारतीय वायुसेना अपनी पूरी ताकत से जो है इस मुहिम में लगी है कि कोरोना को कैसे हटाना है और उसी के मद्देनज़र लगातार जो है ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। ये IL-76 इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट गुवाहाटी तक जाएगा और उसके बाद अलग अलग ऐसी जगहों पे जहाँ पे कि बाय रोड भी नहीं जा सकते वहाँ पे हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों तक ये सामग्री पहुँचाई जाएगी। कैमरामैन नीरज तिवारी के साथ संदीप बोल, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया।